करनाल के नेवल गांव के पास इनोवा कार और बाइक की भिड़ंत हो गई। इस सड़क हादसे में बाइक सवार चालक की मौत हो गई है। आपको बता दें कि बाइक सवार चालक जेसीबी मशीन चलाने का कार्य करता था। हादसा उस समय हुआ जब वह बाइक पर सवार होकर अपने घर को लौट रहा था। आपको बता दें कि नेवल एवं बड़ा गांव के बीच वाली सड़क पर इनोवा गाड़ी द्वारा प्रदीप नामक युवक को टक्कर मार दी गई और इनोवा चालक मौके से फरार हो गया। इस दौरान प्रदीप घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भिजवाया गया जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने कल्पना चावला मोर्चरी हाउस में बताया कि प्रदीप जेसीबी मशीन चलाने का कार्य करता था, जो कि गत दिवस रात को बुढ़ा खेड़ा से कार्य समाप्त कर बड़े गांव की ओर जा रहा था, तो रास्ते में इनोवा गाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी जिसमें प्रदीप बुरी तरह घायल हो गया, जिसको तुरंत कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। इलाज के दौरान ही प्रदीप की मौत हो गई। प्रदीप अपने पीछे 3 बच्चे छोड़ गया है। सड़क दुर्घटना में हुई इस दर्दनाक मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस ने आवश्यक सबूत जुटाकर अज्ञात इनोवा चालक की तलाश प्रारंभ कर दी है। मेरा भाई है, मेरे ताऊ का लड़का। ये कल रात ड्यूटी करके, जो जेसीबी चलाता है, जेसीबी ड्राइवर है वो, तो ड्यूटी करके अपना काम से अपना घर के लिए आ रहा था। क्या नाम था, कहाँ जा रहा था? दीप था सर उसका नाम। घर के लिए आ रहा था ड्यूटी करके। कहाँ पे? अपना गुड्डा खेड़े में ड्यूटी करता सर वो, जेसीबी चलाता। जा कहाँ रहा था? अपने घर के लिए, बड़ा गाँव। अच्छा जी, ठीक है। तो मैं अभी साथ में था, उसके पीछे पीछे था, तो नेवल से कुछ डिस्टेंस हमारे बीच में बढ़ गया, तो हम वो आगे निकल गया। से तो आगे जाके मैं देखा वो रोड पे था और एक इनोवा वाला है ना, एकदम उसको साइड करके टक्कर मार के और उधर भाग चला गया। तो वहाँ पे देखा मैंने, कुछ बंदे और भी खड़े थे वहाँ, देखा ये जाके तो यहाँ पे पड़ा। फिर कार्रवाई करी है, उसको उठा के फिर जैसे भी करके, भाई था कोई, अपना जानकार भी नहीं था, पता नहीं कोई अनजान ही था, नॉन था कोई, तो अपने साथ वो लेके गाड़ी में यहाँ तक आया। उसका ट्रीटमेंट भी अच्छी तरह से करवाया, तो डॉक्टर ने बोला अभी हाँ ठीक है, हालत इसकी कोई ऐसी बात नहीं है। तो सवेरे करीबन 4-5 बजे करीब उसकी हालत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई थी, तो डॉक्टर ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको, तो वो 7:30 बजे करीब उसकी डेथ हो गई सर। कितनी उम्र थी उसकी? उम्र करीबन सर 35-36 के करीब रहा। आगे चले चालीस बच्चे भी हैं? हाँ, 3 बच्चे हैं सर उसके पास। क्या नाम था उनका? कुलदीप है सर उसका नाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अश्विनी है। तो पुलिस ने कार्रवाई की कुछ? पुलिस सर कार्रवाई कर रहे हैं अपनी, अभी रिपोर्ट बना रहे हैं सर। वो टक्कर मारने वाला भाग गया मौके? वो तो सर भाग गया, इनोवा गाड़ी थी वो रेड कलर की, वो भाग गया सर। वो उसका कुछ भी अश्विनी है सर मेरा नाम, उसका कोई भी कुछ नहीं पता पड़ा अभी सर। पुलिस कार्रवाई कर रहे हैं, उसके बाद देखते हैं जैसा भी होगा। बस यही है कि थोड़ा भाई बच्चे छोटे हैं उसके, थोड़ा अपील है कि भाई उसका कुछ वो रोड रैक्स में कुछ मिल लीजिए, कुछ कुछ मुआवजा दिया जाए उसको। ठीक है, ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.